बाइती हरीफ की भी जहां तारीफ बनती है मैं तो तारीफ करूंगी। अपने मुल्क की इकोनॉमी के लिए मोदी बहुत लकी साबित हुआ, आप अग्री करेंगे? बहुत मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। मोदी साहब जो है वो बड़े मेहनती आदमी है, करप्शन नहीं है। देखें करप्शन एक रुपए की नहीं, एक आदमी ने की, वो अपने मुल्क के इंटरेस्ट में सोचते हैं। सर ओबामा पर क्यों ना वादे करें, क्यों ओबामा साहब मेहरबान ना होते? ओबामा, हम लोग अपने यहाँ शादियों ब्याह में जब मोदियों को बुलाते हैं, केक कटवाते हैं, कायदे आजम की बर्थडे का केक उस दिन वहां केक भूल जाते हैं, उनकी जो है मजार के ऊपर फातिहा खानी भूल जाते हैं, आप किसकी सज्जन जनरल को हम गोद में बिठा लेते हैं, हम जो है वो वहाँ टाटा और बिरला के साथ बिजनेस करना शुरू हो जाते हैं, क्या मेरा मुंह अभी खुलवाती है? बर्तानिया के अंदर क्या क्या खुफिया डीलें होती हैं, फॉर गॉड से जो नहीं होता हम उसकी बात कर लेते हैं। जो हमारे जिन हुकूमत की आपने बातें की, जिनके निवासियों की शादियां अटेंड करते रहे, जिनकी आप बातें करें उनकी बात कर लेते हैं। हमारे यहाँ उनके टेन्योर में वजीर खारिजा की कुर्सी खाली रही, उसकी रीजंस क्या है मेरे ख्याल से आप बेहतर समझते हैं। क्या ये भी बहुत बड़ा एक फ्लॉ नहीं हो सकता कि हमारे यहाँ वजीर खारिजा की कुर्सी इतनी देर तक खाली रही? और ये बहुत बड़ी मिनिस्ट्री होती है, इकोनॉमी के बाद या इकोनॉमी से पहले अगर कह दूं फॉरेन मिनिस्ट्री बहुत बड़ी मिनिस्ट्री होती है, तो हम आज यहाँ तक पहुंच गए हैं, क्या उसमें उस कुर्सी के खाली रहने का भी बहुत बड़ा किरदार है? आज भी यूरोपियन यूनियन ने कहा कि हम इस अमेरिका की पाबंदियों को नहीं मानते, अमेरिका जो है वो बेनाथा बैल हो चुका है, असल बात ये है, और उसके जो एक ऐसा हाथी है के लिए भारत का जो बंदर है वो उसके ऊपर सवारी कर रहा है, उसके सर के ऊपर, और भारत के जो बंदर के कंधे पे एक कालिया कौवा बैठा हुआ है जिसका नाम है इसराइल। ये अमेरिका की जो ताकत है उसको ये आकाश बेल की तरह चूस रहे हैं, उस रक्त को ये खोखला करके अपनी मंजिलें अपने आशियाने ये नए बना लेंगे। असल मसला ये है कि जो उन्होंने पिछले साल 2017 के अंदर उन्होंने ये हमारी कोएलिशन सपोर्ट फंड रोका गया था, उसका मकसद ये था कि जब जनरल बाजवा साहब ने ये कहा, उनको ठेंगा दिखा के कहा कि नो मोर टू यू, इट इज टाइम टू फॉर यू टू डू मोर, इसके ऊपर उन्होंने अपना गहरा तन थन दिखाया। उसके नतीजे में पाकिस्तान ने भी जो है अपने आप को गहरे, हमारी भी एक अपनी हिकमत अमली मौजूद थी जो कि अल्हम्दुलिल्लाह कारबंद है, हम उसके ऊपर कारबंद है और वो कामयाबी से चल रही है। इसके अलावा उनको प्रॉब्लम यह है कि वो बलूचिस्तान के अंदर उनको किसी सूरत ये जो सी पैक की तरक्की है ये भार नहीं रही, उनको ये शक हो रहा है कि कहीं अमेरिका का जो एक खत्ते के अंदर गर्म पानियों तक जो रूस को भी रसाई मिल जाएगी, वस्ती एशियाई रियासतों को भी रसाई मिल जाएगी, चीन को भी रसाई मिल जाएगी, और पाकिस्तान की तरक्की ना सिर्फ वो किरदार जो पाकिस्तान ने आज एक न्यूक्लियर रियासत होकर चाइना की बढ़ोतरी के अंदर कर रहा है, ये वही किरदार है जब आपने अमेरिका जो है जब सुपर पावर बनने जा रहा था तो बर्तानिया ने अदा किया था, लेकिन बर्तानिया सुपर पावर नहीं था उस टाइम पे, एक न्यूक्लियर ताकत नहीं था, वो एक हारा हुआ पिटा हुआ मोहरा था। आज पाकिस्तान की जो है अल्हम्दुलिल्लाह दहशतगर्दी के खिलाफ कामयाबियां हैं, पाकिस्तान की जो है वो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में कामयाबियां हैं, पाकिस्तान ने इंडिया की कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन का सत्यानाश करके रख दिया। अब्दुल्ला गुल साहब देखिए, पाकिस्तान की कामयाबियां हैं, इन कामयाबियों में से हम दहशतगर्दी के खिलाफ कामयाबियों को पकड़ लेते हैं, उसको डिस्कस कर लेते हैं। चले इंडिया तो हमारी कामयाबियां इसलिए नहीं मानता कि उसको हजम नहीं होती, रिवायती हरीफ है, क्या अमरीका को हम आज से अपना दुश्मन मानना शुरू कर दें कि अमरीका भी हमारी तारीफ नहीं कर सकता, उल्टा हमें कहता है कि आपने तो कुछ किया ही नहीं? नहीं, आपको अमेरिका को दुश्मन नहीं मानना चाहिए, वो बड़ा वाजे बोलते हैं। अगर आपके समझ में नहीं आ रही कौम की या हमारी हकूमतों की समझ में नहीं आया, वो तो हमेशा आपको स्ट्रेटेजिक पार्टनर कहते रहे, स्ट्रेटेजी कीप्स ऑन चेंजिंग। आज कोई स्ट्रेटेजी है, कल को कोई स्ट्रेटेजी है, ये ऐसे ही है कि आज आपका जो पीछे सेट लगा हुआ है वो किसी और रंग का है, कल को वो फर्ज करें गुलाबी रंग का हो जाए तो इसका क्या मतलब है कि वो चैनल ख़त्म हो जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं होता। स्ट्रेटेजी जो है वो हमें पता है कि उन्होंने इंडिया को नेचुरल एलाई कहा है, समझें इस बात को, उन्होंने आप ओबामा साहब की तारीफ अभी कर रही थी कि वो पाकिस्तान की तरफ थोड़ा झुकाव रखते हैं, तो बीबी आप ये बताएं बेटा कि 68 मुहदात जो थे वो कौन करके गया था हिंदुस्तान के साथ? ओबामा इंतजामिया करके गई थी। कौन जो था उनकी झोली के अंदर सारा जो आईटी का बिजनेस कौन डाल गया था? ओबामा साहब डाल गए थे। कौन था जो पाकिस्तान को जो है वो दबाए चला जा रहा था? ये ऐसा नहीं होता, ये सारे के सारे सबसे पहले